अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट में आपसे आग्रह करूंगा, अगर प्राइवेट मेंबर को आप 5 मिनट। जहां किसान की बात करी गई, आपने बड़ी अच्छी तरीके से देखा कि 5 साल बाद आज 6,000 रुपए का एक लॉलीपॉप, जो कि चुनाव तक 2,000 रुपए ही बनते हैं, वो सरकार ने दी। कल ओलावृष्टि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में हुई है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि किसान के लिए इतना गंभीर है तो तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी उस पूरे वाक्य की करवाए कि किसान को आज एटलीस्ट जिसने फसल बीमा ले रखा है उसका पैसा मिलने का काम किया जाए। जहां एजुकेशन की बात करी, पूरे इस बजट के अंदर जीडीपी का जो शेयर एजुकेशन का है उसमें 0.1% का भी इंक्रीज इस सरकार ने नहीं किया। जब तक आप शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का काम नहीं करोगे, किसी भी हालात में हमारे जो आने वाली जनरेशन है उसको मजबूत करने का काम नहीं कर पाओगे। जहां अभी मैं अनुराग जी को सुन रहा था, सैटेलाइट्स की बात कर रहे थे कि हमने इतनी सैटेलाइट पहुंचा दी, इस सरकार को ये जानना चाहिए कि सैटेलाइट पहुंचाने से कहीं ग्राउंड रियलिटी पे बदलाव कितना आया है। ना तो किसान को आज तक उस सैटेलाइट से ये पता चलता कि कितनी फसल के अंदर पानी की आने वाले समय में जरूरत होगी। अगर आप चाहते हैं कि किसान को उसका भला मिले तो आप जरूर उस पर विचार करें कि हम कैसे उस डाटा को फार्मर तक पहुंचाने का काम करें, चाहे वो फिशरीज का करने वाला फार्मर हो समुद्र में जाने वाला, चाहे खेत में खेती करने वाला किसान हो। अध्यक्ष महोदय, स्पोर्ट्स के लिए माननीय वित्त मंत्री ने एक शब्द भी इस पूरे बजट में नहीं रखा। एक और पर तो प्रधानमंत्री टॉप्स कहते हैं कि ओलंपिक पोडियम पर हमने पहुंचना है, और दूसरी ओर परसों हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर हमारे जो द्रोणाचार्य अवार्डी है महावीर पहलवान जी और उनके तीनों चारों बेटियां जो अलग अलग तरह के अवार्ड लेकर आए, उनके गांव में बनता है वह स्टेडियम कैंसिल करने के लिए पत्र लिखा। मैं हैरान था कि अनएम्प्लॉयमेंट पर इतनी बातें करी गई कि स्किल इंडिया के माध्यम से बहुत ज्यादा स्किलिंग पे पैसा खर्च किया जा रहा है, मगर आज जो देखने की चीज है कि स्किल इंडिया की बात कर दी जाती है और कह दिया जाता है कि टैक्सी चलाने वाला भी आज एक ना के तरीके से जॉब लेकर बैठा है। मगर अध्यक्ष महोदय, उबर हो, ओला हो, ये ऐसी कंपनीज है जिनने ड्राइवरों को गुलाम बना लिया। 16-16 घंटे की नौकरी कराते हैं और तनख्वाह देते हैं 8,000-9,000, और जो पुरानी टैक्सियां चलाने वाले ड्राइवर थे उनको आज बेरोजगार करने का काम इन बड़ी कंपनियों ने किया है। असलियत तो ये है, जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी बहुत लार्ज स्केल पर कंप्यूटराइजेशन की वजह से, ऑटोमेशन की वजह से जॉब कटिंग कर रही, और नए जॉब्स जो इस देश में बनने चाहिए थे, जिसके लिए स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, अलग अलग प्रोग्राम चलाए गए थे, वो भी इस सरकार के दौरान विफल रहे। इस पूरे बजट में ना तो कोई नए डैम बनाने के लिए बजट का प्रावधान था, ना ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने इंटरलिंकेजेस ऑफ रिवर के ऊपर सरकार ने कोई गंभीरता से अपना वजन रखने का काम किया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने की है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, अमृत के माध्यम से छोटे शहरों को भी डेवलप विकसित करने का काम करेंगे। धरातल की तस्वीर यह है कि इस पूरे सरकार के रिजीम में स्मार्ट सिटीज की बात सुनने में आई, मगर एक ऐसा शहर बताइए इस देश के अंदर जिसको स्मार्ट होते हुए हमने देखने का काम किया। ये एनडीएमसी दिल्ली को चुना गया था, आप बताइए दिल्ली के अंदर कहीं कोई सिग्नल फ्री एरिया किया हो, कहीं ऐसी कोई डेवलपमेंट करी हो कि देश के अंदर वो अपने आप में एक पहचान बनाकर बैठा है। सभापति महोदय, मैं तो आपको इतना बोलना चाहूंगा कि बातें करेगी कि बजट के अंदर हमने 5 लाख तक के मिडिल क्लास को इनकम टैक्स भरने की छूट दी। इनकम टैक्स भरने की छूट नहीं दी, इनकम टैक्स तो आज भी उस व्यक्ति को भरना पड़ेगा, मगर दूसरी ओर पर कहीं ना कहीं 12,500 रुपए की रियायत देने का काम किया। अच्छा फैसला है, 12,500 के लिए पता नहीं किस किस ट्रस्ट की पर्चियां कटवानी पड़ती थी। सरकारी इंप्लॉय पे तो अलग अलग तरह का दबाव रहता था, मगर अगर आपने व्यवस्था बनानी थी तो जो जीएसटी और इनकम टैक्स की फाइलिंग की व्यवस्था है इसमें सुधार लाने का काम सरकार को करना चाहिए था। आज तो जीएसटी की यह हालत है कि कोई मिडिल क्लास या अपर क्लास व्यापारी है उसको महीने में 3 बार जैसे पहले इंस्पेक्टरी राज के इंस्पेक्टर के चक्कर काटने पड़ते थे, आज सीए के चक्कर काटने पड़ते हैं। अगर आपने व्यवस्था बनानी है तो उसको रियायत दीजिए कि वो सीए के चक्कर काटने से अपने आप को रोकने का काम करे। सभापति महोदय, आज जो गंभीर चीज हमें देखनी है वो इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की है। आज चाहे शिक्षा की बात हो, आज इंप्लॉयमेंट टीचर्स की नहीं, आज ये हालात है कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, मगर आधे से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं
जिनके अंदर आज तक कंप्यूटर नहीं पहुंचे। अगर आप चाहते हैं व्यवस्था सुधरे, सर्वती मैं एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि व्यवस्था सुधरे तो व्यवस्था सुधारने के लिए आपको प्राइमरी स्कूल्स की डेवलपमेंट से लेकर गांव के अंदर जो अस्पताल है उनकी डेवलपमेंट से लेकर और फिर बिल्डिंग की बात करनी है। मैं धन्यवाद करूंगा, आपने हरियाणा को 22वां एम्स देने का काम किया और उम्मीद करूंगा कि इसको आप रेवाड़ी जिले से ले जाकर किसी और जिले में भागने का काम ना करें, क्योंकि सरकार की मंशा दिखती है और सुनने में भी आया है कि शायद रेवाड़ी से इसको और कहीं ले जाने की भी सरकार प्लानिंग करती है। आज बड़ा पिछड़ा हुआ हिस्सा है। और अंत में सभापति महोदय, मैं एक इस पूरे बजट के ऊपर, क्योंकि 3 महीने का बजट है, अगली जो भी सरकार राज्य में आएगी वो आकर इस बजट को रिवाइज भी कर सकती है, नए प्लान्स भी ला सकती है, तो 4 लाइनें जरूर बोलना चाहूंगा। किसी शायर ने कहा है इस पूरे बजट को देखते हुए कि झूठों ने कहा झूठो से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ सच बोलो, झूठों की एक मंडी थी दरवाजे पे लिखा था सच बोलो। तो अध्यक्ष सभापति महोदय, कहीं इस प्रकार से ना हो कि ये झूठ का एक पुलिंदा 3 महीने के लिए इस देश पे थुप कर चला जाए और आने वाले समय में जो अनाउंसमेंट है ये कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटी पे कमेरे वर्ग तक पहुंच ना पाए। मैं तो इसी प्रार्थना के साथ आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। राइट, थैंक यू। नाउ